आपने फिर परेशानी में डाल दिया। विधानसभा में मैंने कहा था मत बोलना, आपसे मत बोलना, तो आप फिर भी नहीं माने और आपने कहा कि मैं बोलता हूं। लगातार एक घंटे तक जो है विधानसभा में भाषण देते रहे, अचानक जो है तबियत खराब हो गई। फिर हमने दिल्ली भेजा उनको, दिल्ली गए। जब दिल्ली गए तो मैं वहां भी उनसे मिलने गया। जब ठीक हो गए थोड़ा तो मैंने हाथ पकड़ा, मैंने कहा आप तो परेशान भी करोगे ना मुझे, तो कहने लगे मैं परेशान आपको एक ही चीज के लिए करूंगा। मैंने कहा बताओ आप क्या परेशान करोगे। बोले मैं अपने बागेश्वर विधानसभा के लिए आपको बार बार परेशान करता रहूंगा, बार बार वहां के काम करूंगा। इतना सोचने वाला व्यक्ति दूसरा हो नहीं सकता। उनकी हम भरपाई नहीं कर सकते, किसी प्रकार से भरपाई नहीं कर सकते। इसलिए ये चुनाव सच्चे मायने में ये हार जीत का चुनाव भी नहीं है, ये किसी व्यक्ति का चुनाव भी नहीं है। ये चुनाव है जो चंदन रामदास ने काम शुरू किए थे, उन कामों को आगे बढ़ाने का चुनाव है। जो उनके सपने थे उन सपनों को पूरा करने का चुनाव है। ये चुनाव हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, यानी कि हर मामले में उत्तराखंड आगे होगा, हर मामले में उत्तराखंड का नाम सबसे आगे होगा, उस दशक को बनाने का चुनाव है। ये चुनाव जो विकास यहां शुरू किए हैं, बागेश्वर जनपद में शुरू हुए हैं, बहुत सारे यहां के मामले, बहुत सारे विकास के कार्य हैं, उन सभी विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने का चुनाव है। अभी चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है, इसलिए टेंडर होने के बावजूद भी काम शुरू नहीं हो पाए। ये चुनाव यहां पर काफली गौर में है, डिग्री कॉलेज जल्दी से जल्दी स्थापित हो। अभी अजय कंता जी ने कहा है, निश्चित रूप से चंदन रामदास जी उसके बारे में सोचते थे, कहते थे, और मैंने भी सोचा था। अब अजय भाई ने भी यहां से कह दिया है, तो निश्चित रूप से इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसी प्रकार से कठपुड़िया छीना आईटीआई का सुचारू संचालन एवं ट्रेड का विषय भी है यहां पर आया है, इसके बारे में भी निश्चित रूप से इसका आकलन करेंगे। काफली गैर नौगांव कनारी छीना मोटर मार्ग के भौरा गधेरे में जो मोटर पुल है, इसका भी मुझे प्रस्ताव दिया है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। काफली गैर में स्वास्थ्य केंद्र हर जगह पर खुलने चाहिए, मैं मानता हूं इस क्षेत्र में भी ये होना चाहिए, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इसी प्रकार से कटपुड़िया छीना सिराघाट मोटर मार्ग, इसके बारे में ये धनराशि हमारी स्वीकृत हो गई है, ये बड़ा काम हो जाएगा। 1300 करोड़ रुपए से बनने वाला ये मार्ग अपने आप में बहुत शानदार मार्ग होगा। ग्राम शहर बैज बगल खोल सीर आदि ग्राम सभाओं में प्रधानमंत्री आवास के डाटा हटने की जानकारी भी यहाँ पर मुझे बताई है, उसको भी हम लोग निश्चित रूप से संज्ञान लेकर उसमें कार्रवाई करेंगे। इस क्षेत्र की सभी सड़कें व अन्य कार्य जो रुके हुए हैं उन सभी को पूरा किया जाएगा। तो मैं कह रहा था इन सभी कामों को आगे बढ़ाने के लिए, इन सभी कामों को पूरा करने के लिए ये चुनाव हो रहा है। अब उत्तराखंड का विकास तेजी से आगे बढ़ रहा है, आप देख रहे होंगे किस प्रकार से हमने अभी नकल कानून लागू किया है। और नकल कानून एक ऐसा कानून है, इसके लागू हो जाने के बाद अब जो हमारे बेटे हैं, बेटियां हैं, हमारे भाई हैं, बहन हैं, हमारे गरीब माता पिता, उनको अपने घर से पढ़ाने के लिए कोई सब्जी बेचता है, कोई घी बेचता है, कोई दूध बेचता है, कोई छोटी मोटी खेती करके अनाज बेचता है, कोई छोटी दुकान चलाता है, उनका नंबर नहीं आ रहा था अभी तक। पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, मेहनत कर रहे थे, लेकिन नकल के कारण से उनका नंबर ही नहीं आता था। नंबर आ जाता था उनका जो पढ़ते भी नहीं थे, लिखते भी नहीं थे और नकल कर लेते थे, पैसे दे देते थे नकल माफियाओं के साथ मिलकर, पर्चा पेपर लीक कर देते थे,
पेपर क्या आने वाला उनको पहले ही मिल जाता था, प्रश्न पत्र क्या बनने वाला उनको पहले ही मालूम चल जाता था, कुछ पर्चे में नकल करते थे, कुछ आजकल जो नए नए तरीके आ गए हैं छोटे से पेन ड्राइव में, पेन ड्राइव नहीं जानते होंगे बहुत सारे लोग, हमारी माताएं बहने पेन ड्राइव छोटा सा एक इतना सा जो है एक जैसा एक उपकरण होता है उसमें सब डाटा आ जाता है, वो डाटा लगाते ही सब डाटा आ जाता था। तो ऐसे लोग नकल कर लेते थे जिनके पास पहुंच होती थी, तो जो सामान्य बच्चे हैं उनको कहां से नंबर आता, नंबर नहीं आता था। इसलिए भाइयों बहनों हमने तय किया कि इस नकल माफिया के खिलाफ, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करेंगे। हम अपने उन बेटे बेटियों के साथ, उन भाई बहनों के साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होने देंगे, और हमने 80 से भी ज्यादा लोगों को जेल में भेजने का काम किया है, और नकल अध्यादेश में नकल का जो कानून बनाया है इतना सख्त बनाया है कि अब कोई भी अगर नकल करता हुआ पकड़ा जाएगा या नकल करवाने वाला होगा उसको 10 साल तक की सजा का उसमें हमने प्रावधान किया है, 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया है, सारी संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान किया है। 5.5 लाख से भी ज्यादा हमारे बेटे बेटियों ने अभी तक परीक्षाओं में भाग लिया है। अब उनको विश्वास हो गया है कि अब अगर हमारा हम परीक्षा में भाग लेंगे, हम ठीक प्रकार से पढ़ाई करेंगे, ठीक प्रकार से तैयारी करेंगे तो हमारा नंबर अवश्य आएगा। मुझे खुशी है आप सबके सामने कहते हुए कि अब हमारे बच्चे, हमारे बेटे बेटियां, भाई बहन अब जो एक परीक्षा में पास हो रहे हैं वो केवल एक परीक्षा में पास नहीं हो रहे हैं, वो एक साथ एक परीक्षा में पास हो रहे हैं, 2 परीक्षाओं में पास हो रहे हैं, 3 में हो रहे हैं, और कोई कोई तो 4-4 परीक्षाओं में पास हो जा रहे हैं। यह नकल का कानून लागू होने के बाद जो इसका आज आउटपुट आया है, जो इसका परिणाम आया है, इसलिए भाइयों बहनों अभी आपने देखा होगा रोजगार के मामले में भी पूरे देश के अंदर रोजगार सृजन का, हमारे सभी वरिष्ठ पत्रकार साथी भी यहां बैठे हैं, मैं आप सबके माध्यम आप सब लोगों ने तो पढ़ा ही है, आपने देखा था अखबारों में आया था, रोजगार सृजन के मामले में भी उत्तराखंड हिंदुस्तान के 2 नंबर का देश आज जो है भारत सरकार के सूचकांक में आया है। इसी प्रकार से अनेकों क्षेत्रों में आज हम लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। मोदी जी ने आज दुनिया के अंदर देश का मान बढ़ाया है, देश का सम्मान बढ़ाया है, स्वाभिमान बढ़ाया है। मोदी जी के नेतृत्व में आज सशक्त भारत बन रहा है, आज शक्तिशाली भारत बन रहा है और समृद्ध भारत बन रहा है। समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति के लिए लगातार योजनाओं को लाने का काम आज मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। आप देखते होंगे अभी लोग कई बार कहते हैं ये क्या काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है। अरे भाई देश के अंदर 60 सालों तक एक पार्टी का शासन रहा है और उसमें से भी 55 सालों तक एक परिवार का शासन रहा है। देश के अंदर नारा देते रहे गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, लेकिन एक जगह भी गरीबी हटाने का काम नहीं किया, उल्टा गरीबों को ही हटा दिया गया, गरीबों को ही दबा दिया गया। ये काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। मोदी जी के शासनकाल में गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी माताओं बहनों को हर क्षेत्र में आगे लाने के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए अनेकों योजनाएं लाई गई, बेटियों को पढ़ाया भी जा रहा है, बेटियों को बचाया भी जा रहा है, जनधन के खाते खुलवाए जा रहे हैं, जगह जगह हर घर नल से जल पहुंचाने का काम हो रहा है, आयुष्मान भारत योजना लागू करके आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपए तक की जो है इलाज की गारंटी देने का काम भी अगर किसी ने किया है तो भारत माँ के लाल हमारी सभी बहनों के, माताओं के, बेटे और भाई नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारा ये सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, चाहे कोई युद्ध हुआ हो, कोई लड़ाई लगी हो, मैं भी एक फौजी का लड़का हूं, मैं जानता हूं जब लड़ाई लगती है तो किस प्रकार का माहौल होता है, किस प्रकार से घरों पर एक अलग प्रकार का वातावरण बन जाता है,
पहले के समय में आप देखते थे कश्मीर में लड़ाई लग रही है, सियाचिन ग्लेशियर में लड़ाई लग रही है, या तिब्बत की सीमा पर लड़ाई हो रही है, तो हमारे सैनिकों के ऊपर गोलियां चलती थी। गोलियां चलती थी तो हमारे सैनिक, हमारे फौजी गोली का जवाब नहीं दे पाते थे, क्योंकि मोदी जी के आने से पहले उनको पूछना पड़ता था कि गोली का जवाब देना है कि नहीं देना है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने व्यवस्था कर दी कि अगर आप दुश्मन की गोली आएगी, आतंकवादी की गोली आएगी, जिहादी की गोली आएगी, अलगाववादी की गोली आएगी, तो गोली का जवाब देने के लिए अब सेना के लोगों को किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सेना अब गोली का जवाब गोलों से देने का काम करती है। यह है नया भारत, ये मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है। हम सब उत्तराखंड वासी भलीभांति जानते हैं, आज मोदी जी के नेतृत्व में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो देश के समरस समाज का सपना देखते थे, हर व्यक्ति को आगे लाने का सपना देखते थे, उस सपने को संवारने का काम, उस सपने को आगे बढ़ाने का काम, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों को आगे लाने का काम, शोषितों को, दलितों को, वंचितों को, पीड़ितों को न्याय देने का काम अगर किसी के नेतृत्व में हो रहा है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। अब देते मुक्त अनाज, अभी कोरोना महामारी आई, कोरोना महामारी में 2020 में जब ये महामारी आई तो आप सबको पता है किसी की नौकरी छूट गई, किसी का जो छोटी मोटी दुकान थी वो भी चली गई, काम धंधा सब बंद हो गया, भुखमरी के कगार पर आ गए। उस समय भी देश के हर एक व्यक्ति का प्रधानमंत्री मोदी जी ने केवल प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि एक अभिभावक के रूप में जिस प्रकार से माता पिता अपने बच्चे की चिंता करते हैं, उस प्रकार की चिंता प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर एक देशवासी के लिए करी। बताइए अनाज मिल रहा है ना कोरोना के समय से, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, थोड़ा बताइए आप सभी को मिल रहा है, ये किसने दिया, किसने दिया, जरा जोर से बोलिए, मोदी जी ने दिया। वैक्सीन देने का काम किसने किया, एक समय वो भी था जब देश में पोलियो आया, और पोलियो के समय में जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं हमें तो पता नहीं, कहते 15-15 साल तक इंतजार करना पड़ा कि पोलियो की वैक्सीन आएगी, पोलियो की खुराक आएगी। भाइयों बहनों, अगर मोदी जी का ये नेतृत्व न होता, मोदी जी की अगर ये सोच न होती, मोदी जी के मन में देश के लिए दर्द न होता, देश की माताओं बहनों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, नौजवान पीढ़ी के लिए अगर दर्द न होता, तो ये वैक्सीन आने में अगर 10 साल लग जाते तो क्या आज हम यहाँ बैठकर इस प्रकार से यहाँ सभा कर रहे होते, बताइए आप लोग सभा कर रहे होते नहीं कर रहे होते। मोदी जी का हम धन्यवाद करना चाहते हैं, आज जो है जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे, अभी बच्चे कह रहे थे, छोटे बच्चे, अभी हेमा जी कह रही थी कि हम चंद्रमा पर पहुंच गए, सफल हमारा चंद्रयान चंद्रमा पर पहुंच गया, अब सूर्य पर पहुंच रहा है, और कांग्रेस अपने घर में उलझी हुई है, अपने घर के जिनको पप्पू कहते हैं उन्हीं को बार बार लॉन्च कर रही है, और हमारा भारत जो है वहां चंद्रमा और सूर्य पर जाकर जो है तिरंगा लहरा रहा है, तिरंगा हमारा फहर रहा है। अभी हरीश रावत जी कह रहे थे, आज मैं अखबार में उनका बयान पढ़ रहा था, हमारे बड़े सीनियर नेता है, हमारे बुजुर्ग हैं, मैं उनका व्यक्तिगत रूप से बड़ा सम्मान करता हूं। अजय भाई वो कह रहे थे, मैंने आपने बता दें अखबार पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कि भारतीय जनता पार्टी वालों को मुख्यमंत्री जी को चुनाव में मैदान में उतारना पड़ गया है। अरे भाई ये तो मेरा अपना घर है, हमारे सब अपने लोग हैं, वो अलग बात है। मैं बहुत बार ये बात अलग है कि मुझे आज
ऐसे समय में ये चुनाव के समय में आपके बीच में आना पड़ रहा है, अन्यथा मैं तो आपके बीच में पहले भी आने वाला था। चंदन रामदास जी भी कई बार मुझे कहे कि आपको काफलीगर में सभा में आना है, काफलीगर में लोगों से मिलना है। और मुझे ये भी पता लगा यहाँ आकर कि एक दिन पहले अल्मोड़ा में हम लोग सभा में थे, एक साथ हमारा कार्यक्रम था अल्मोड़ा में, और उस दिन उन्होंने बहुत भाषण दिया मेरे बारे में। वो भाषण मैं बार बार देख रहा था, बार बार मेरे आंसू निकल रहे थे, और मुझे पता लगा कि उसके बाद वो दूसरा भाषण देने या दूसरी बार यहाँ किसी मिलने के लिए आप लोगों से इसी क्षेत्र में आए थे। तो निश्चित रूप से ये मेरे लिए बहुत ही भावुक करने वाला है कि आज मैं उनकी धर्मपत्नी पार्वती जी के लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूँ, अन्यथा कैसे आता बताइए आप मुझे। है मुझे तो आपके बीच में आना ही था, वैसे भी क्या नहीं आना चाहिए मुझे? अब बताइए उन लोगों को, कांग्रेस के लोगों को, मुझे आपके बीच में आने पर भी ऐतराज है। वो कहते हैं मत आइए, क्यों आ रहे हैं आप, उसमें भी भला बुरा कह रहे हैं। भाइयों बहनों, अभी वैसे तो पार्वती जी आपकी चेली है, कह की चेली होली, कह की भतीजी होली, कह की भांजी होली, कह सपन की यहां बेटे जो है चेली माने की मायके वाले लोग हैं आप, वो मायके में आई हैं। और कुछ लोग ऐसे भी आ रहे हैं जिनके बारे में महेंद्र जी ने अभी बताया हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, कि कोई कहता हमको एक मौका दे दो, हमारी पार्टी को एक मौका दे दो। अरे भाई, देश के अंदर जहां से भी आप गए हो वहां दोबारा किसी जनता ने आपको 20 सालों तक 25 सालों तक दोबारा मौका नहीं दिया है। और उत्तराखंड के लोगों ने 2022 में यहाँ के सारे मिथक तोड़ दिए, आप लोगों ने सारा जो एक परिपाटी थी परिपाटी बदल दी और एक इतिहास बना दिया। आप लोगों ने हमको सेवा करने का अवसर दिया है, 5 सालों के लिए आपने सेवा का अवसर दिया, आपने मोदी जी को 14 में भी दिया, 19 में भी दिया, भाई अजय टंडा जी को यहाँ से जिताकर भेजा, और हमने संकल्प लिया है कि हम पूरे बागेश्वर क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। जब हम सेवा कर ही रहे हैं, सरकार हमारी काम कर ही रही है, अभी एक ही साल हुआ, एक साल में बहुत सारे हमने निर्णय इस सरकार में हमने ले लिए हैं, आगे भी हम बहुत सारे निर्णय लेने वाले हैं। तो आपको ऐसा मौका क्या मिलने वाला है? और आपको मौका देने का मतलब है, मैंने कल लोग कह रहे थे कि कांग्रेस को वोट देने का अर्थ है कि जहर पीना, तो मैंने कहा हाँ क्यों नहीं है। अब बताइए, कह रहे एक मौका दे दो, एक मौका क्यों दे दो, जहर का बार बार पिएगा क्या कोई आदमी? हम आप बताओ, जहर बार बार पिएगा? जहर तो एक ही बार पिएगा, दोबारा कहां से मौका मिलेगा? इससे कौन होगा जो जहर पिएगा? है वो पोते शिशुर ने, शिशुर तो सब लोग जानते हैं, वो तो उल्टू ने लागसा सुल्टू ने लागसा। तो ये पार्टी ने जो है उल्टू सुल्टू वाली से जेल जो है देश में 55 साल तक 60 साल तक लगातार राज करी, लगातार इन्होंने शासन ली। अब एक गरीब आदमी, गरीब एक परिवार में पैदा होने वाले मोदी जी आज देश में जय प्रकार विकास कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया निकम रहा है। तो एक वास्ते मैं आज आप सब लोगों से निवेदन करना कि ना आ रही हूं, और दूसरा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि हम तो भगवान के अवतार हो गए, कोई कह रहे हम राम हो गए, कोई कह रहे कृष्ण हो गए, कोई कह रहे गौतम बुद्ध हो गए। अब आप सोचिए, पता नहीं क्या हो गया, किस प्रकार की सोच हो गई है कि है पहले, अरे भाई हम तो ये कहते हैं कि आप सबसे पहले अरे अच्छे इंसान बनिए भाई, अच्छे इंसान बनोगे तो निश्चित रूप से भगवान कुछ ना कुछ गुण अपने दे देता है। लेकिन इस प्रकार की बातें करने का आखिर क्या ये औचित्य? तो मैं आज आप सब लोगों से यही निवेदन करने आया हूं। और चंपावत में भी उपचुनाव हुआ था, चंपावत दूर नहीं है, चंपावत के लोगों ने कहा हम किसी को नहीं जानते हैं, हम चंपावत के विकास को आगे बढ़ाने के लिए, हम उत्तराखंड के विकास को आगे बढ़ाने के लिए, नरेंद्र मोदी जी के कथन को सत्य साबित करने के लिए, और मोदी जी का जो
उत्तराखंड की धरती से कर्म मर्म का रिश्ता है। एक दिन मुझसे पूछ रहे थे मोदी जी कि हमारी माताएं बहनें क्या सोचती हैं वहां। मैंने कहा उत्तराखंड की माताएं बहनें, कोई जो बुजुर्ग माताएं हैं वो सोचती है कि मोदी मेरा बेटा है, जो हमारी बहनें हैं वो सोचती है मोदी जी मेरे भाई हैं। मैंने उनको बताया तो भाइयों बहनों भावुक हो गए मोदी जी। तो मोदी जी के उन सपनों को जो माताओं बहनों के लिए उन्होंने सोचे हैं, जो उत्तराखंड के विकास का उन्होंने एक विजन अपने लिए तैयार किया, जिसके लिए वो लगातार हमारे राज्य को आगे बढ़ाने के लिए कहीं केदारखंड में चार धाम ऑल वेदर बन रहे हैं, हमारे चार